सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कफिन गेमिंग यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली थोड़ा ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज हम बताने वाले OB22 के अपडेट के बारे में और कुछ जो हैकर्स फ्री फायर में आ चुके हैं उनकी आईडी को आप कैसे बैन कर सकते हैं, आज इसके बारे में पूरा फुल डिटेल से आपको बताएंगे। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं OB22 अपडेट के बारे में। OB22 अपडेट में कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, वो भी इमेजेस के साथ। तो गाइस सबसे पहले हम आपको बता दें कि OB22 अपडेट में एक कैरेक्टर आने वाला है, उस कैरेक्टर की एबिलिटी क्या है आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, और आपको दो ग्लू वॉल की स्किन और दो पैट की स्किन भी OB22 अपडेट में देखने को मिल सकती है, इसके चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। तो गाइस सबसे पहले हम आपको एक इमेज दिखाते हैं जिसमें आपको कैरेक्टर की इमेज दिखेगी। तो गाइज आप देख सकते हैं यही कैरेक्टर OB22 अपडेट में आने वाला है। इस कैरेक्टर का नाम क्या है, इसकी एबिलिटी क्या है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। तो गाइज अगर जैसे हमको इसके बारे में कोई भी जानकारी पता चलती है तो हम एक वीडियो और बना देंगे OB22 अपडेट के बारे में, जिसमें हम फुल डिटेल से सभी कुछ बताएंगे। तो गाइज अभी के लिए ये सिर्फ कैरेक्टर है जो आने वाला है, और इसका नेम देखिए अब कुछ लिखा हुआ है कुछ अदर लैंग्वेज में। तो गाइज अगर आपको आता है अदर लैंग्वेज पढ़ना तो आप इसमें देख सकते हैं, मुझे तो खैर नहीं आता है। तो गाइज अब पढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो गाइस नंबर 2 पे आता है ग्लू की स्किन। तो गाइस जैसा कि आपने कई वीडियोस में देखा होगा ये ड्रैगन ग्लू की स्किन आने वाली है। तो गाइस ये स्किन OB22 अपडेट के बाद आने वाली है। तो गाइस अभी स्किन में देख सकते हैं ये बैक साइड का है एक इमेज और एक इमेज है फ्रंट साइड का। तो गाइस ये जो ग्लू की स्किन है ये थोड़ा बड़ी होने वाली है, तो ये अगर आप शॉर्ट रेंज में फाइट लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत दिक्कत बनने वाली है। तो गाइस बेहतर ये होगा कि आप इस ग्लू पे ज़्यादा पैसे ना वेस्ट करें। तो गाइस अगर हम बताएं कि आप इसमें शॉर्ट रेंज में अगर फाइट लेते हैं तो अगर किसी रूम में एक ग्लू डालते हैं तो वो कम से कम 2-3 ग्लू की जगह ले लेती है। तो गाइस ये ग्लू काफ़ी जगह लेने वाली है, लेकिन कुछ लोगों को पसंद आती है, तो गाइस आप ले सकते हैं इसको, कोई बुरा भी नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जो नेक्स्ट अपडेट है उसमें आने वाली कुछ पैन की स्किन, तो आपको हम पैन की स्किन दिखाते हैं। तो गाइस जैसा कि आपको एक इमेज में दिख रहा होगा पैन की स्किन, एक इमेज में आपको दिख रहा होगा ग्लू की स्किन, ये दोनों OB22 अपडेट में आने वाली हैं या किसी इवेंट में आने वाली है, ऐसा कुछ न्यूज़ मिली है। तो गाइस अगर आएगा तो इसके बारे में फुल डिटेल से एक वीडियो बना दी जाएगी हमारे चैनल पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें आपको अगर ये अपडेट पसंद आता है। तो गाइस अब बढ़ते हैं कुछ हैकर्स की तरफ जो हैकर्स गेम में बहुत आ चुके हैं। तो गाइस अभी कल मुझे एक बंदा मिला जो नया गेम ज्वाइन किया था, लॉर्ड्स मोबाइल खेला था वो बहुत पहले, तो अभी मुझे नया बंदा मिला जो लॉर्ड्स मोबाइल खेल के फ्री फायर में आया और उसको एक हैकर मिल गया। आते ही उसने बोला कि तुम्हारे गेम में बहुत सारे हैकर्स हैं, तो मुझे गाइस बहुत बुरा लगा, तो मैंने एक छोटा सा स्टेप निकाला इसके बारे में। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई हैकर मिलता है गेम में तो आप उसकी आईडी को कैसे बैन कर सकते हैं। तो गाइस सिंपली आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो गाइस हम बताते हैं कि जब आपको कोई हैकर मिले तो आपको उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट की आपको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेनी है, जिसमें वो फायर करता हो, बंदों को मारता हो डायरेक्ट हेड, या एम बॉट हैक जो होते हैं सीधे हेडशॉट मारते हैं स्कोप खोल के। तो गाइस हम बता दें कि उनके बारे में आपको क्या करना है, सिंपली आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना है 2-3 मिनट की। अब आपको वीडियो में दिख रहा होगा उस स्टेप को आप फॉलो करें। सबसे पहले आपको अपनी जाना है सेटिंग में, गेम की सेटिंग में, फिर वहाँ पर आपको एक कस्टमर केयर का ऑप्शन मिलता है, तो कस्टमर केयर पर आप क्लिक कर दें, और वहाँ से आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है अनाउंसमेंट, पेमेंट इशू, गेम कंसर्न और टेक्निकल इशू, तो आप इसमें से किसी कोई भी सा एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आपको जो भी सिलेक्ट करना हो। तो गाइस एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको इधर से भी कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वो जरूरी नहीं आप किसी के बारे में सेलेक्ट करें, कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर का लिखा है सबमिट ए रिक्वेस्ट, उस पर आपको क्लिक करना है। सबमिट ए रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा, उसमें आप देख सकते हैं योर ईमेल एड्रेस। सो गाइस आपको अपना एक ईमेल एड्रेस डाल देना है, जो आपका ईमेल एड्रेस हो जिससे आप मतलब इस पर रिपोर्ट करना चाहते हैं जिस बंदे पर। तो गाइस आप देख सकते हैं इसमें आपको रिपोर्ट सेलेक्ट करना है, एब्यूज रिपोर्ट, हैक रिपोर्ट, तो गाइस इसमें आपको ये सिलेक्ट करना है। फिर आपको किस टाइप का हैक मिल रहा है, एम बॉट हैक मिल रहा है, या फिर अल्ट्रा फास्ट मिल रहा है, या फिर व्हीकल हैक मिल रहा है, वॉल हैक मिल रहा है, या फिर अदर मिल रहा है, आपको जैसा आपको हैक इसमें देखने को मिले वैसा आपको इसमें सेलेक्ट करना है। मुझे तो गाइस कल एम बॉट हैक मिला था शाम को, मैं वो खेल रहा था कस्टम में मुझको आया था मारने। तो गाइस आप देख सकते हैं ये एम बॉट हैक, तो मैंने उसको रिपोर्ट भी किया था, रिपोर्ट से मुझे कुछ आया ईमेल ग्रेना की तरफ से, आपको वो भी इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप एम बॉट पे आप सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इसका नेम। तो गाइस उसका नेम अगर आपको पता है कि उसका नेम क्या था तो आप उसका नेम डाल देंगे, अगर आपको नहीं पता था यहाँ पर लिखेंगे अननोन, और उसके बाद आपको मतलब उसका प्लेयर आईडी जो है उसकी प्लेयर आईडी को यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है। तो गाइस आप उसकी प्लेयर आईडी को आप उसको इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं, प्लेयर आईडी उस पर लिखी होती है, तो प्लेयर आईडी को उसमें डाल देना है, वो इंडिया से तो इंडिया पे, और ये नीचे जो टिक का ऑप्शन है ना
यहाँ पर टिक कर देना है, ओनली हैक जिस पे लिखा हुआ है उसके नीचे एक टिक ऑप्शन, उस पर टिक कर देना है, फिर सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक कैप्चा कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें आपको कैप्चा कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा बहुत ईजी होता है, वो मोटरसाइकिल का कभी कभी देता है, कभी कभी ट्रैफिक लाइट्स का देता है। तो गाइस जैसा ही आप इसमें ये सब कैप्चा कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको वेरीफाई में क्लिक करना है और फिर से एक बार सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपकी रिपोर्ट जो है वो गेम फ्री फायर तक पहुँच जाएगी। तो गाइस सिंपली आपको एक ईमेल आएगा कुछ देर बाद, जैसा कि मुझे ईमेल आया था। तो गाइस वैसा ही आपको एक ईमेल आएगा आपकी उसी ईमेल एड्रेस पर। तो उसमें आपको क्या करना है, जो वीडियो की आप रिकॉर्डिंग किए रहेंगे उस वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको भेज देनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस ईमेल में कि मुझे आया था ईमेल उधर से, तो यहाँ पर आपको इसमें जो रिप्ले है, रिप्ले में आपको वो इमेज सेलेक्ट करनी है और जो इमेज मतलब जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग किए हैं उसकी हैकर की, आपको उसको सेलेक्ट करनी है और उसमें आपको सेंड कर देनी है। तो गाइस आपको ऐसा करने पर उस हैकर की आईडी तुरंत बैन कर दी जाएगी और उसका डिवाइस भी बैन कर दिया जाएगा, वो दोबारा से फ्री फायर गेम खेल भी नहीं पाएगा अपनी उस डिवाइस में। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Jack Sparrow.